NRC आणि कॅबच्या विरोधात जमियत उलमा यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी मोठ्या संख्येने मुस्लिम बांधव एकत्रित आले होते. आज का जो ये आंदोलन है वो बिल के खिलाफ है और वो बिल जो है सीधा सीधा मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है, मुसलमानों को हरेसमेंट करने के लिए, मुसलमानों को इस मुल्क में ग़ुलामी का तौक पहनाने के लिए एक बड़ी साजिश चल रही है ताकि मुसलमान कमज़ोर हो जाए. और उस हुकूमत को ये मालूम है कि अगर हमें यहाँ रहना है तो मुसलमानों को हरेसमेंट करना है, इसलिए वो तफरीक पैदा कर रही है, हिंदू मुसलमानों में फ़र्क पैदा कर रही है, नफ़रत का माहौल बना रही है. हम हमेशा जमियत उलमा के प्लेटफार्म से हमने हमेशा यकजहती कॉन्फ्रेंस करके लोगों में इत्तेफाक़, प्यार, मोहब्बत का सबक देने की और दर्स देने की कोशिश की है. आज भी हम चाहते हैं कि इस धरने के ज़रिए से इस हुकूमत को ये आवाज़ पहुंच जाए कि मुसलमान नफ़रत को पसंद नहीं करता और तुम नफ़रत का माहौल पैदा कर रहे हो. हम हमेशा जो बिल वो लेकर आई है उसके लिए आज भी ये आंदोलन हुआ है और ये आंदोलन जब तक चलता रहेगा जब तक ये बिल ख़त्म नहीं होगा. हम इस बिल को वापस करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे. हमारे बुज़ुर्ग, हमारे असलाफ इसके लिए कोशिशें कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं कंधे से कंधा लगाकर. और तमाम मुसलमान किसी भी तंजीम से ताल्लुक़ रखता हो वो इसके ताल्लुक़ से सब एक हैं, एक रहेंगे और एक होकर अपनी एक आवाज़ के साथ इसका धरना आंदोलन करते रहेंगे.